तो दोस्तों फाइनली UIDAI की वेबसाइट पर हेड ऑफ फैमिली HOF बेस एड्रेस अपडेट वाली जो सर्विस है ये लाइव हो चुकी है। इसमें प्रॉपर तरीके से काम चालू हो चुका है। हालांकि इस सर्विस को पहले भी लाइव कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस सर्विस पर काम चालू नहीं हुआ था। अब की मैं बात करूँ तो इस सर्विस में आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। हेड ऑफ फैमिली HOF बेस एड्रेस अपडेट वाली सर्विस क्या है दोस्तों? अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास में कोई वैलिड आईडी नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो इस केस के अंदर दोस्तों आपके परिवार में अगर किसी के भी आधार कार्ड में सही एड्रेस है तो आप अपने परिवार का वो वाला आधार कार्ड लगाकर आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस सही कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं इजी वे में बताऊं तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य में जिसके आधार कार्ड में सही एड्रेस है वो वाला आधार कार्ड के जरिए आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस सही कर सकते हैं, सही वाला एड्रेस अपने आधार कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि HOBS हेड ऑफ फैमिली के आधार कार्ड से किस प्रकार आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपने एड्रेस को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड से अपने खुद के आधार कार्ड में अगर आप सही एड्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे वेलकम टू माई आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहां पर लॉग इन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉग इन के बटन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर वो वाले आधार नंबर फिल कर ले हैं जिस आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, सही एड्रेस आप लोग करना चाहते हैं। तो यहां पर हम आधार नंबर फिल करेंगे और जो ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करना है एंड आप सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे OTP फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। अब आप यहीं से अपने आधार कार्ड को कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट, किसी भी प्रकार का कनेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर देखोगे ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आ चुके हैं। आप यहां पर देखोगे लैंग्वेज ओनली अपडेट, ये ऑप्शन है अभी रिसेंटली में यहां पर जोड़ा गया है। आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं जो कि ये अभी ऑप्शन फिलहाल हाइड है, यहां पर ये प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुआ है। इसके बाद में आप यहां पर देखोगे हेड ऑफ फैमिली HOBS आधार अपडेट का जो ये ऑप्शन है ये अभी प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है। पहले की मैं बात करूं तो इस ऑप्शन को पहले चालू नहीं किया गया था, लेकिन आज की डेट से दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये जो सर्विस है, ये प्रॉपर तरीके से चालू हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपको हेड ऑफ फैमिली HOBS आधार अपडेट वाले इस सर्विस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस सर्विस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे अर्जेंट टाइम में इस आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई दे देगा, जो कि आप यहां पर मेरे इस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। अब आप अपने आधार कार्ड में नया एड्रेस बदलना चाहते हैं, नया एड्रेस करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहां पर देखोगे डिटेल्स ऑफ HOBS रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि आप अब यहां पर उस व्यक्ति के आधार नंबर आपको यहां पर फिल करना है जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में सही एड्रेस है और जिस व्यक्ति का आधार कार्ड आप लगाकर अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस सही करना चाहते हैं, यानी कि आपके फैमिली में जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में सही एड्रेस है उस व्यक्ति के आधार नंबर आपको यहां पर लगा देने हैं। तो चलिए हम उस व्यक्ति के आधार नंबर यहां पर लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप उस व्यक्ति के आधार नंबर यहां पर लगाएंगे जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में एड्रेस सही है, तो आप यहां पर नीचे जाएंगे उस व्यक्ति के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे, लास्ट डिजिट के 4 नंबर। इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखोगे रिलेशनशिप टाइप पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे रिलेशनशिप टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस व्यक्ति के आधार नंबर यहां पर फिल किया है वो व्यक्ति आपका क्या लगता है, आपका फादर लगता है या फिर आपका हस्बैंड लगता है या फिर आपका मदर लगता है या फिर आपकी वाइफ लगती है या फिर कोई अदर व्यक्ति लगता है, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर लेना है। हमारे यहां पर फादर लगते हैं, हमारे फादर के आधार कार्ड में बिल्कुल सही एड्रेस है और जो हमारे फादर के आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस हमारे आधार कार्ड में हम अपडेट करना चाहते हैं,
तो हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखोगे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट और लगाना है, आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का एक डॉक्यूमेंट लगाना है जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में सही एड्रेस है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से लगा सकते हैं, आपका राशन कार्ड हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, कोई भी पासपोर्ट या फिर कुछ भी आप मेरिट सर्टिफिकेट कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड को चुन लेंगे। राशन कार्ड को चुनने के बाद सिंपली आपका जो भी राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। राशन कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर राशन कार्ड पीडीएफ में रख लेना है। राशन कार्ड अपलोड करने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर। आपको यहाँ पर 50 रुपये का पेमेंट पे कर देना है। आप जैसे 50 रुपये का पेमेंट पे कर देते हैं तो आप ऊपर में देखोगे SR नंबर, आपको एक SR नंबर मिल जाएंगे। तो सिंपली इस SR नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर इस SR नंबर को आपको सेव कर लेना है और आपको टर्म्स पर क्लिक करना है एंड आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आप जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज पे हो जाएगा और आपको एक SR नंबर मिल जाएंगे। SR नंबर मिलने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप यहां पर देखोगे माई आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको वापस आ जाना है और यहां पर आपको लॉगिन के बटन पर वापस से क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको दोस्तों उस आधार से यहां पर लॉगिन करना है जिस आधार कार्ड के थ्रू आप अपने आधार कार्ड में सही एड्रेस लगाने की रिक्वेस्ट डाले हैं। यानी कि आपने कौन सा आधार कार्ड चुना है, अपने फादर का, मदर का, वाइफ का, उस आधार कार्ड से अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर जाना है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है जिस व्यक्ति के आधार कार्ड में सही एड्रेस था, उस व्यक्ति के आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओटीपी फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपको एक सर्विस दिखाई देगी हेड ऑफ फैमिली HOS रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर SR नंबर आपसे मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको वो SR नंबर यहाँ पर फिल करने हैं जो SR नंबर आप एड्रेस अपडेट कर रहे थे अपनी फैमिली के आधार से, उस टाइम आपको SR नंबर मिले थे, वो SR नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। SR नंबर फिल करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर यानी कि जो रिक्वेस्ट है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ जो मेरे आधार कार्ड से एड्रेस अपडेट हो रहा है उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ और वह व्यक्ति मेरे घर का ही सदस्य है। इस वजह से आपको यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तभी आपके आधार कार्ड से उस व्यक्ति के आधार कार्ड में एड्रेस सही होगा जिस व्यक्ति का आधार कार्ड में आप सही एड्रेस करने के लिए अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं। आप जैसे एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है और 7 से 8 दिन के अंदर उस व्यक्ति के आधार कार्ड में एड्रेस सही हो जाता है जिस व्यक्ति के लिए आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।